और चलिए अब रुक करते हैं भिंड का, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। INS 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। भिंड कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है। नल में गंदा पानी, दूषित पानी आ रहा था, जिस मामले में अब संज्ञान लिया गया है और लाइन का काम करने के लिए कर्मचारी जुट गए हैं। पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हो रहे थे और देखिए खबर का एक बड़ा असर कि अब पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान यहां पर नहीं होना पड़ेगा। मिहोना नगर परिषद क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे थे। INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद भिंड के कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है। नल से यहां पर दूषित पानी निकलता था, जल ही जीवन है कहा जाता है, लेकिन जरा सोचिए अगर पीने के लिए ही शुद्ध पानी लोगों को ना मिले तो लोग कितने परेशान होंगे। और इसी सोच के साथ INS 24/7 ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया और अब खबर का एक बड़ा असर, भिंड के कलेक्टर ने खुद मामले में संज्ञान लिया है। इसके बाद अब नल की जांच की जा रही है। पानी की समस्या से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, भीषण गर्मी है, तपा देने वाली गर्मी है और पीने के लिए अगर पानी ना मिले तो जरा सोचिए लोगों का क्या कुछ हाल हो रहा होगा। और इसी के चलते हमने ये खबर प्रमुखता के साथ उठाई थी। INS 24/7 की इस खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा। एक बार फिर से देखने को मिला है तो बड़ी खबर भिंड से, जहां पर INS 24/7 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पानी की समस्या से यहां पर लोग परेशान थे, पीने के लिए जो पानी नलों से निकल रहा था वो गंदा पानी आ रहा था। मिहोना नगर परिषद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पीने के पानी की अब यहां पर जांच की जाएगी। पानी के नमूने ले लिए गए हैं, सैंपल को भी भिजवा दिया गया है। जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई कलेक्टर करेंगे। और हमारे सहयोगी शुभम जैन एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शुभम, INS 24/7 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, क्या कुछ कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं? ठीक है, तकनीकी कारणों की वजह से शुभम से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आगे हम उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। तो खबर का एक बड़ा असर भिंड में देखने को मिला, जहां पानी की समस्या से अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।